हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कई बार ऐसा होता है कि न दाल खाने का मन होता है, ना सब्ज़ी का, ना ही पनीर क्यों ना मिल जाए, पर लगता है कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। तो आज कुछ ऐसा ट्राई करेंगे हम जो होगा बिल्कुल डिफरेंट और आपके स्वाद को बढ़ा देगा और बिल्कुल ही मूड चेंज हो जाएगा आपका। तो मैंने लिए हैं 3 टमाटर और लहसुन, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये 100 ग्राम मिर्च ली हैं जिनको मैंने बीच से ऐसे कट कर लिया है, चीर दिया है, और एक पैन लिया है। तो इसमें मैं ले लूँगी 1 चम्मच, आप देख सकते हैं इतना तेल। और जब इस तेल में से धुआं उठेगा उसके बाद ही हम इसमें जीरा या मेथी जो भी ऐड करेंगे वो करेंगे। तो कभी भी सब्ज़ी बनाएं तो ये ध्यान रखें तेल कच्चा ना रहे। अगर तेल कच्चा रहता है तो सब्ज़ी में, आप जो भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें एक अलग सी स्मेल रहती है। तो ये देख सकते हैं धुआं उठ चुका है, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा। तो जीरा भून लेंगे, और उसके बाद मैंने ये लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाया था, यानी कि सिर्फ मैंने लहसुन और टमाटर लिया था और कुछ भी नहीं लिया, और इसको भून लेंगे चलाते हुए। तो मुझे तो जब कुछ भी समझ नहीं आता तो मैं ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करती हूँ। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आप इस रेसिपी को बना के स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और इस सबको चलाते हुए मैं भून लूँगी। तो इसको आप ना बनाने में टाइम लगता है, और अचार की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 15 से 20 दिन आप आराम से इसको फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। तो इसको चलाते हुए भून लेंगे। जब ये थोड़ा भुन जाएगा 2 से 3 मिनट तक, तो हम इसमें और इसमें अगर चाहें तो और भी मसाले ऐड कर सकती हैं, आमचूर ऐड कर सकती हैं, आप नींबू निचोड़ सकती हैं। तो अब मैं इसमें ये मिर्च जो मैंने बीच से चीरी थी वो ऐड कर दूंगी। तो मैं ये मिर्च ज़्यादातर शौक के रख लेती हूँ, इन्हें आप पराठे के साथ या दाल बनाई हो उसके साथ अचार की जगह कभी भी खा सकते हैं। तो इनको चलाते हुए ऐसे 1 से 2 मिनट तक खुला ही चलाएंगे इनको, ताकि मसाले इसमें अच्छे से जा सकें। और मिर्च अगर आपकी ज़्यादा तीखी है, आपसे तीखी और आप तीखी नहीं खाना चाहते हैं, तो इसमें आप 1 चम्मच शहद या 1 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी मिर्च जो है उसका जो है तीखापन थोड़ा कम हो जाएगा। वरना मुझे तो मिर्च चटपटी ही अच्छी लगती है। अब इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, तब तक मैं रेडी करूँगी पराठा। तो मैंने ये चौकोर पराठा बनाया है, और अब हम देखेंगे अपनी मिर्च को। तो हमारी ये मिर्चें आप देख सकते हैं रेडी हैं, और ये बहुत टेस्टी बनती हैं। और इनको बना के स्टोर कर लें आप फ्रिज में, तो आप 15-20 दिन के, आप कितने दिन भी इनको स्टोर कर सकते हैं, स्मेल इनमें होनी नहीं है। कोई भी चीज़ तब ख़राब होती है उसमें पानी ऐड किया जाता है। तो अब इसको मैं पराठे के साथ खाऊंगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो जब भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलता है, और एक अंदर से होता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।